एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रणय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं पीआईवीडी की। पीआईवीडी का मतलब है प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, जिसे हम कहते हैं छल्ले खिसकना हिंदी में। जैसे अगर हमें कहा जाए, इसमें ये होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइन होती है, उसमें जो डिस्क प्रेजेंट होती है वो अपनी पोजिशन से थोड़ा सा आउट हो जाती है, जो नर्व को कंप्रेस करती है, उसे हम कहते हैं पीआईवीडी। इन नसों की दबाव की वजह से कभी कभी ये दर्द हमारे कमर से लेकर हमारे पैरों में भी रेडिएट होता है। ये हमारे पैरों में सूनापन कर देता है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसा हमें फील होता है। इससे पेशेंट के लेग्स में वीकनेस भी आती है, उसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, बेड से उठने में प्रॉब्लम होती है। ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पीआईवीडी की वजह से। हम जानते हैं कि होता किस किस वजह से है। पेशेंट की या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसकी बोन डेंसिटी कम हो गई है, बोन वीकनेस में चली गई है, या मसल वीकनेस है उसमें, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर पेशेंट की कोई इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी हुई है, उसकी वजह से भी पीआईवीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको विदाउट सर्जरी या विदाउट मेडिसिन कैसे सही किया जाए, सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू। तो हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज पीआईवीडी में करी जा सकती है, एक्सरसाइजेस पीआईवीडी में करनी चाहिए, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को उल्टा लेटना है, उसके बाद दोनों हाथ पीछे जॉइंट करना है और आगे से उठना है। इस पोजीशन में पेशेंट को 10 सेकंड्स होल्ड रखना रहेगा, 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज रिपीट करी जाएगी। उसके बाद 10 सेकंड्स होल्ड करने के बाद पेशेंट को रिलैक्स। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में हम पेशेंट को कहेंगे कि पैर पूरा सीधा उठाए, पेशेंट पूरा पैर सीधा उठाएगा। इस पोजीशन में पेशेंट को 10 सेकंड्स होल्ड करने को कहना है एंड देन रिलैक्स। इस चीज को भी 10 टाइम्स रिपीट करना है दोनों पैरों में। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कोबरा पोज, जिसे हम कहा जाता है, दोनों हाथ आगे रखेंगे स्ट्रेट और देन पेशेंट को लिफ्ट करने को कहेंगे बॉडी। इतना पेशेंट बॉडी लिफ्ट करेगा, इस पोजिशन में भी पेशेंट 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स तक भी होल्ड रख सकता है और फिर देन रिलैक्स। इस चीज को भी हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की, इसे हम ब्रिजिंग कहते हैं। इसमें पहले पेशेंट को हम बोलेंगे अपनी नीज बेंड करने को, देन इसके बाद पेशेंट को कहेंगे अपनी बैक को लिफ्ट करिए। ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हमें 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हमें 10 टाइम्स रिपीट करना रहेगा।